आज सुबह सुबह मैं जल्दी नहा धो के रेडी हो जाता हूँ और वापस से अपने फोन में वीडियो देखने लग जाता हूँ। तभी यहाँ पर मेरे एक पिंटू नाम के दोस्त का फोन आ जाता है। मैं इससे बात कर लेता हूँ। वैसे ये बड़े दिन बाद फोन किया है। तुझे बहुत दिनों बाद फोन किया है। मैं सोच रहा था क्यों ना कहीं चलते घूमने के लिए, क्योंकि तू भी अपने घर में पड़ा पड़ा बोर हो रहा होगा। तो इसके बाद मुझे करना ही क्या था, मैंने निकाली अपनी प्यारी सी बुलेट और मैं इसको लेकर निकल गया सीधा जंगल के लिए, क्योंकि अभी उसने मुझे बुलाया हुआ है जंगल पर, उसे कैंपिंग करना है। और भाई यहाँ पर ये दोनों गाड़ी को क्या हो गया, ये आपस में भिड़े जा रहे। तो अभी जंगल है यहाँ से कई मीलों दूर, और लेकिन मैंने वहां पर सुना है कि बहुत सारे शेर रहते वो जंगल में, और बहुत अलग अलग टाइप के जानवर भी रहते हैं। लेकिन वो मुझे वहां पर बुलाया है, भाई उसे डर नहीं लगता क्या? और भाई तुम्हारा भाई पहुंच चुका है यहाँ पर अपनी बाइक को भगाते भगाते कल्याण स्टेशन में। यहाँ पर देख सकते हो ये रहा कल्याण स्टेशन, और यहाँ पर ट्रेन भी खड़ी हुई है। भाई मैं यहाँ पर कभी ना कभी ट्रेन से भी सफर कर लिया करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बाइक मैंने बहुत ज्यादा चला ली है और बाइक से मेरा मन भर चुका है अभी के लिए। तो तुम्हारा भाई पहुंच चुका है यहाँ पर वो जंगल में जहाँ पर मेरे फ्रेंड ने बुलाया था, और ये रहा उसका एंट्रेंस। लेकिन मेरा फ्रेंड तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, शायद से भाई वो अंदर शेर लोग के साथ मस्ती कर रहा होगा। भाई शेर लोग के साथ वो मस्ती नहीं कर सकता है। फिलहाल मैं अंदर चलता हूँ और पहले जाकर उसको कॉल लगाने वाला हूँ मैं अंदर। तो यहाँ पर मैं अंदर तो आ चुका हूँ। अरे एक सेकेंड, यहाँ पर बहुत सारे शेर घूम रहे, और भाई सामने में ये जो कार है ये मेरे फ्रेंड की है, और इसके कार के आजू बाजू में इतने सारे शेर क्यों घूम रहे? भाई मुझे यहाँ पर कुछ सीन सही नहीं लग रहा है। फिलहाल मैं अपनी सेफ्टी के लिए पिस्तौल निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ये शेर मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। मैं भी ये शेरों ने मुझे देखा नहीं है, और यहाँ पर घोड़े भी, और भाई इसकी कार की हालत पूरी खराब है। और गाइस एक सेकंड, यहाँ पर ये शेर ने मुझे देख लिया, फटाफट से मैं अपनी बाइक को उठाता हूँ। भाई उठ जा बाइक यहाँ पर, और ये शेर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ फटाफट से, और अभी तो मुझे मेरे पहले तो फ्रेंड को ढूंढना होगा, मैं उसको कॉल लगाता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पर एक ही सेफ ऑप्शन दिख रहा है, मैं ये जंगल से पहले तो मैं बाहर निकलता हूँ, और बाहर तो आ चुका हूँ। लेकिन एक सेकंड, ये क्या सीन चल रहा है भाई यहाँ पर, ये लोग कौन है? भाई साहब यहाँ पर शायद से सिटी में जॉम्बी अटैक हो चुका है, और यहाँ पर मुझे मेरा फ्रेंड अभी तक मिला नहीं है। फिलहाल मैं अपनी बाइक को साइड में लगाता हूँ और देखता हूँ भाई ये जॉम्बीज मरते कि नहीं गन से। तो ये जो एक जॉम्बी है, मैंने इसके ऊपर फायरिंग कर रहा हूँ, लेकिन भाई इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा है। एक सेकंड, और भाई यहाँ पर और भी जॉम्बीज आ गए। फिलहाल मैं अपनी बाइक को पहले तो मैं कहीं सेफ जगह ढूंढता हूँ और अपने फ्रेंड को कॉल लगाता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो कैसे जॉम्बीज मेरे पीछे पड़े हुए। तो भाई यार यहाँ पर मैं कब से अपने पिंटू दोस्त को फोन लगा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा कॉल उठा रहा नहीं है। पता नहीं भाई ये अभी कहाँ पर होगा। और अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।